बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आई होप सब खैरियत से होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरे किचन में आज बन रहे हैं वेजिटेबल चिकन रोल्स, इतने मज़े के क्विक रेसिपी है। सो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तैयार करते हैं रोल्स के लिए मसाला, जिसमें 2 टेबलस्पून के जितना आपने लेना है घी, उसमें 1/2 टीस्पून लहसुन को फ्राई करते हैं। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब ऐड करते हैं स्लाइस में कटी हुई बंद गोभी, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको चॉप्ड काट लिया, और रेड चिली ली है, 4 बोनलेस चिकन की बोटी ली है, उनको बॉईल किया, 1/2 टीस्पून के जितने हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून की जितनी मेयोनीज और 2 टेबलस्पून की जितना सोया सॉस लिया है। अब अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करते हैं। मसाले को थोड़ा सा कुक करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोल्स की फिलिंग तैयार हो चुकी है, बनाते हैं रोल्स। बनाते हैं रोल। रोल की पट्टी लेनी है आपने, उसी पर आटे और पानी का मिक्सचर लगाएंगे ताकि रोल की फिलिंग रोल से आउट ना हो जाए। साइड से लगाना है ये मिक्सचर। साइड्स पर रखेंगे ये वेजिटेबल फिलिंग्स और रोल को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से मैं बाकी भी रोल्स बनाती जाऊंगी। ऑयल को आपने गर्म होने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, अब ये रोल्स हम डालेंगे। आप ये रोल घी में भी बना सकते हैं, उसी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ये रोल आप इफ्तार में बनाएं और अपने फैमिली को खुश कर दें, बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी क्रंची। वेजिटेबल चिकन रोल्स तैयार हो चुके हैं। आप केचप और ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।